वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ओम प्रकाश गोदारा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक न्यूट्रिएंट वाटर अपटेक एंड मूवमेंट. मेनली वाटर का जो अपटेक है या मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, इसके अंदर मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है वो इस पर मेनली ये डिपेंड करता है. वाटर का अपटेक है मूवमेंट्स. एयर एटमोसफेयर यूजली हैज एक्सट्रीमली लो वाटर पोटेंशियल्स कंपेयर्ड विद प्लांट्स और सॉइल्स. सो वाटर ग्रेडियंट डेवलप फ्रॉम द सॉइल टू द एयर. सिंस वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर टू लो वाटर, वाटर विल फ्लो फ्रॉम रूट टू लीव्स. तो जो वाटर का फ्लो है वो हमेशा रूट से लीव की तरफ होता है. मेनली जो डिफरेंस है कि जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा उस कंडीशन से मेनली जो वाटर है उसका जो अपटेक है वो उतना ही ज्यादा होगा. वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी रिप्लेनाइज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू द रूट सिस्टम. This establishes an integrated flow of water from the soils through the plant and into atmospheres referred to as soil-plant atmosphere continuum. So mainly the procedure is that the water is transferred to plant, mainly soil to plant, and the plant to atmosphere continuum. So this is a transferation system which is called SPEC, the short form is SPEC, soil-plant atmosphere continuum. तो इस प्रकार जो वाटर का मूवमेंट है वो मेनली सोइल से लेकर एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर कंटिन्यू रहता है. सोइल इज वेरी कॉम्प्लेक्स मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड फेज कंपेयर्ड ऑफ इनऑर्गेनिक रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ए सोइल सॉल्यूशंस कंटेनिंग डिसॉल्व सॉल्यूट्स एंड गैस फेज जनरली इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर. Soil structure affect the porosity of a soil and ultimately its water retentions and aerations. When a soil is freshly water such by rain or irrigations, the water will be percolates down through the pores space until it has displaced. So mainly the water hai uske absorption mein mainly jo soil hai uski jo complex conditions kis prakar ke hai ki jo soil hai uske andar jo kankad patthar hai ya uska jo नेचर है उसका टेक्सचर है उस पर मेनली जो सोइल की वाटर अपटेक कैपेसिटी है वो मेनली इस पर डिपेंड करती है. तो उस कंडीशन में मेनली जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंस रोल रखता है कि जो सोइल्स है उसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है, सैंडी है या आपका ब्लैक सोइल्स है या रेड सोइल्स है. तो वो कंडीशन से मेनली जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उस पर मेनली डिपेंड करती है. मोस्ट ऑफ द एयर soil is less than saturated with water, so water will drain freely from the large pores space due to gravity. मेनली अकॉर्डिंग टू जैसे बारिश होती है इरिगेशन करते हैं तो उस कंडीशन में मेनली जो मैक्सिमम वाटर है वो उसको परकोलेट हो जाता है और जो मेनली लार्ज स्पेस होते हैं सॉइल्स के अंदर उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है. वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसका मेनली जो परकोलेशन से या ये मेनली जो वाटर है वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता. वाटर दैट रिमेन्स आफ्टर थ्री ड्रेनेज इज फिल्ड इन द कैपिलरी पोर्स एट द पॉइंट द वाटर इन द सॉइल इज सेड टू बी फिल्ड कैपेसिटी. मेनली जो अवेलेबल वाटर है वो मेनली फिल्ड कैपेसिटी पे मेनली प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है और ये कैपिलरी पोर्स के अंदर मेनली फुलफिल रहता है. तो इसका मेनली जो वाटर है वो फिल्ड कैपेसिटी पे जितना वाटर अवेलेबल होता है उसको मेनली एब्जॉर्ब कर सकता है. उसके अलावा जो ग्रेविटेशनल वाटर है या जो डिफरेंट वाटर होता है उसको मेनली प्लांट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. कंसिक्वेंटली सॉइल वाटर एट और बिलो फिल्ड कैपेसिटी विल बी अंडर टेंशन एंड इट्स वाटर पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. As the water content of the soil decreases either by the evaporation from the soil surface or because it is taken up by the roots, the air water interference will retreat into capillary space between the soil particles. Mainly jo water hai water absorb karne ke baad mein uska kuch transpiration losses ho jata hai aur kuch losses percolation se ho sakta hai aur kuch losses evaporation. So mainly नॉन लिविंग अगर सरफेस से कोई भी जो वेपोरेशन होता है वाष्पीकरण होता है उसको अपन बोलते हैं इवेपोरेशन. तो मेनली जो सॉइल की सरफेस है क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन में मेनली जो सॉइल है उसके अंदर तो वाटर है वो वेपोरेट हो जाता है. वाटर इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल बाई रूट टेंशन इन द सॉइल्स ड्रा मोर बल्क वाटर टुवर्ड्स द रूट. द इफेक्टिवनेस ऑफ द रूट्स एज एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इज रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ द रूट सिस्टम्स. Plant can only absorb water from the soils when the water potential of the plant itself
सेल्स है इज लोअर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ द सोइल्स, क्योंकि जो वाटर का मूवमेंट है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो अगर सोइल है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो प्लांट सेल से मेनली लोअर है, तो उस कंडीशन में मेनली जो सेल है उसके अंदर वाटर की एंट्री होगी। तो इस प्रकार जो मेनली वाटर पोटेंशियल है वो मेनली डिपेंड करता है कि जो वाटर का अपटेक है वो मेनली होगा या नहीं होगा, तो वो मेनली सोइल के अंदर जो उसकी वाटर पोटेंशियल एक्टिविटी है उस पर मेनली ये मेजर्स लोड डिपेंड करता है। वाटर स्टेटस इन प्लांट, जो वाटर है उसका प्लांट के अंदर क्या स्टेटस होता है। देर आर टू जनरेट वे टू डिस्क्राइब द वाटर स्टेटस और इंटरनल वाटर बैलेंस ऑफ प्लांट एंड प्लांट टिश्यू। तो टू वे बताए गए उसके अंदर कोई वाटर है, वाटर का प्लांट के अंदर वाटर का स्टेटस क्या है। द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द एनर्जी एसोसिएटेड विद वाटर इन प्लांट टिश्यू। वाटर पोटेंशियल इज कंसिडर्ड बाई मोस्ट प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू बी द मोस्ट यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट वे to describe the water status of plant tissue in term of water potential or water deficits. एक तो water potential होता है, water deficit अगर इसकी कमी, अगर पानी की कमी होती है तो water deficit conditions create हो जाती है। Exit in a tissue whenever its water potential is less, i.e. more negative than 0 megapascals, the water potentials measured by liquid emissions methods या डाई मेथड्स, वेपर इक्विलिब्रियम्स मेथड्स, थर्मोकपल्स साइक्रोमीटर्स या प्रेशर चैम्बर मेथड्स। तो मेनली जो वाटर है, वाटर पोटेंशियल है उसका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है जो मेथड्स है उसके द्वारा किया जाता है। लिक्विड जो इमर्शन मेथड होता है वो इसको आल्सो कॉल्ड एज ड्राई मेथड और चार्डाकोव्स फेलिंग ड्रॉप मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो साइंटिस्ट थे इन्होंने उसकी डिस्कवरी की उसका नाम इसका नाम है टू ग्रेडेड सीरीज ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशंस। मैंने टू ग्रेड के जो सुक्रोज सॉल्यूशंस है उनकी सीरीज देते हैं रेंजिंग फ्रॉम 0.15 टू 0.5 मोल इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 0.5 मोलरिटी आर प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब्स सेट अप इन डुप्लीकेट्स is like same to the जो सेट है वो अपन लगा लेते हैं। होमोलोगस प्लांट टिश्यू इज प्लेस्ड इन टू ईच टेस्ट ट्यूब ऑफ वन ऑफ द सीरीज। तो मेनली जो होमोलोगस कंडीशन में जो सेम प्लांट है उसका जो सेम टिश्यू है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ड्रॉप कर देते हैं। ओनली ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू इज मिक्स इन टू ईच सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड सीरीज कंट्रोल सीरीज। तो कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल कंडीशन होती है के अंदर अपन जो डिफरेंस देखना चाहते हैं वो एक को सेकेंड होता है। प्लांट टिश्यू इज नॉट एडेड टू द कंट्रोल सीरीज। तो कंट्रोल सीरीज है उसके अंदर प्लांट टिश्यू को एड नहीं करना, ओनली जो वाटर है वाटर के अंदर जो मिथाइलिन ब्लू आपका इंडिकेटर है उसको अपन को मिक्स करना है। एंड द डाई डज नॉट एप्रिसिएबल चेंज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स आफ्टर द टिश्यू इज इंक्यूबेटेड फॉर 15 टू 30 मिनट्स। तो टिश्यू है उसको अपन इंक्यूबेट कर देते हैं 15 टू 30 मिनट्स के लिए। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ट्यूब्स। द actual time of incubation can be just long enough for osmosis to proceed and change the concentrations of these solutions in the test series. The attainment of equilibrium is not necessary. After tissue is removed, a small drop of the respective control series solutions introduced below the surface of the core osmotic test solutions. If the drops rise in the test solutions, it means the drop is lighter than the tissue incubation. Solutions is more concentrated and indications that water from the solutions enter the tissue. Conversely, if the drop falls, it means that the test solutions is higher and indicators that water left the tissue and diluted the solutions. In this latter instance, the water potentials of the solution initially is more negative than that of the tissue. Accordingly, if the density of the drop from the methionine blue solutions is the same as that of the test solutions, the drop will diffuse into solutions uniformly. At this point, called the null points, the water potentials of the tissue and solution is equal. So, the water potential is उसका जो इम्पोर्टेंस है वो मेनली प्लांट के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका जो यूजेज है किस तरीके से कर सकते हैं किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मेनली जो वाटर है उसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, तो मेनली जो रूट सेल्स होती है क्योंकि जो रूट्स है सोइल्स के अंदर प्रेजेंट होती है
और इसके अंदर जो जाइलम वेसल्स है उसके द्वारा मेनली जो वाटर है वो मूव करता है। जाइलम सेल्स के अंदर मेनली अपन अगर इसका एरेस करते हैं, टीएस के ट्रांसवर्स सेक्शंस अगर काटते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्टडी करने के बाद में क्या होता है कि जो इसके अंदर डिफरेंट जो स्पेसेस है या जो उसकी जो लेयर्स है वो पाई जाती है। जैसे पेरिसाइकल्स होता है, पेरिसाइकल्स के बाद में एंडोडर्मिस लेयर आती है, एंडोडर्मिस लेयर के बाद में आपका कॉर्टेक्स आता है और कॉर्टेक्स के जस्ट आगे आपका एपिब्लेमा आता है और एपिब्लेमा से फिर जो है मेनली आपका जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स इसके अलावा मेनली जो वाटर है उसकी जो एंट्री है इस प्रकार होती है कि जो वाटर है, वाटर सबसे पहले जो रूट हेयर है उसके कॉन्टेक्ट में आता है, रूट हेयर से फिर मेनली इसका जो मूवमेंट है वो एपिब्लेमा की तरफ होता है, एपिब्लेमा से इसका जो फिर मूवमेंट है आपका कॉर्टेक्स की तरफ होगा, कॉर्टेक्स से फिर ये एंडोडर्मिस है उसके अंदर एंट्री करेगा और एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से फिर ये जो जाइलम है उसके द्वारा मेनली जो लीव्स है वहां तक ट्रांसफर होता है। तो यहाँ बीच के अंदर मेनली जो लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है, कुछ एयर स्पेस भी जो प्रेजेंट होते हैं, तो जो वाटर वेपर थ्रो जो स्टोमेटा है उसके द्वारा भी मेनली जो वाटर है उसका जो वाष्पीकरण हो सकता है। तो इस प्रकार मेनली जो वाटर का मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, तो ये मेनली कुछ डिफरेंट जो प्रोसेस है उस पर मेनली डिपेंड करता है। मेनली जो वाटर अपटेक जो रूट है थ्रू कॉर्टेक्स वाटर में एंड ट्रेवल बाई एपोप्लास्ट पाथवे, द ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। तो मेनली दो तरीके पाथवे जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, तो इसके अंदर मेनली जो एपोप्लास्ट है वो मेनली एक नॉन लिविंग पाथवे होता है, इसके अंदर जो नॉन लिविंग पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है और जो मेनली सिम्प्लास्ट पाथवे उसके अंदर मेनली जो लिविंग जो होती है आपकी चीजें वो मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। वाटर फ्लो बिटवीन सेल फ्रॉम द प्लाज्मोडेस्माटा, तो जो वाटर का फ्लो है इनके बीच के अंदर मेनली जो प्लाज्मोडेस्माटा है टू सेल्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है जिसको अपन प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, नली टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ये मेनली आपस में कनेक्ट रहती है और उसको अपन प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। विदाउट क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द, क्योंकि जो वाटर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में मेनली जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसके द्वारा मेनली जो वाटर है वो वन सेल से अदर सेल्स के अंदर मूव करता है या ट्रांसफर होता है। In the transmembrane pathway, water move across the plasma membranes with a short visits to the cell wall space at the endodermis. The apoplast pathway is blocked by the Casperian strips. So mainly जो non-living part होता है जिसे आपका apoplast है, तो उसके अंदर mainly जो Casperian strips होती है, वो mainly जो water है उसको next cell की तरफ move नहीं करती, तो उस condition में mainly इसका जो next जो movement है, वो symplastic pathway उसके द्वारा होता है। अगर अपन प्लांट है उसकी जो रूट है उसका अगर टीएस काटते हैं तो मेनली जो सिम्प्लास्टिक एंड जो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे है इसके अंदर मेनली जो वाटर का मूवमेंट है वो पेरिसाइकल्स, जाइलम्स और फ्लोएम इसका डिफरेंट जो पार्ट है मेनली पाए जाते हैं। तो जो आउटर पार्ट होता है इसका एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो मेनली जो कॉर्टेक्स है वो प्रेजेंट होती है और कॉर्टेक्स के नीचे कुछ पेरिसाइकल्स होता है, पेरिसाइकल्स के जस्ट नीचे आपका जाइलम होता है और जाइलम के जस्ट अबव मेनली आपका जो फ्लोइंग पार्ट है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर मेनली कुछ एंडोडर्मिस जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो मेनली प्रेजेंट रहती है जो मेनली एपोप्लास्ट रीजन से उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन जो सिम्प्लास्ट रीजन होता है उसके अंदर मेनली जो आपके प्लाज्मोडेस्माटा है इसके द्वारा जो मेनली वाटर है आपका उसका फ्लो होता है। तो मेनली जो वाटर अपटेक मैकेनिज्म है इसका जो इंपॉर्टेंस यही है कि जो मेनली अगर किसी कंडीशन में मेनली जो वाटर है तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो प्लांट की जो रूट है रूट सिस्टम पे डिपेंड करती है कि जो वाटर का मूवमेंट है। जैसे कई लॉन्ग प्लांट होते हैं जिनकी हाइट 100 मीटर भी होती है, 100 मीटर से अधिक भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में मेनली जो वाटर का फ्लो मेनली जो रूट सिस्टम्स है उसके द्वारा जाइलम्स के द्वारा इनके अंदर एक जो सिम्प्लास्टिक पाथवे या जो अट्रैक्शन कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, तो उस कंडीशन में मेनली जो एक मॉलिक्यूल है दो अदर दूसरे मॉलिक्यूल से मेनली अट्रैक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो रूट से लेकर और टॉप पार्ट तक कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार मेनली जो वाटर है तो वाटर का मूवमेंट मेनली जो सिस्टम्स है वो मेनली आपका जो सोइल्स पार्टिकल्स है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार मेनली जो आपका वाटर है उसका जो अपटेक का या मैकेनिज्म है उसका जो रोल्स है वो इंपॉर्टेंस ये रखता है कि तो अगर आप जैसे कहीं भी प्लांट लगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो पहले सबसे पहले जो सॉइल है उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, कैसी है, तो उस कंडीशन में मेनली जो अपना कोई भी जो क्रॉप है वो वेजिटेबल्स है आपका या कोई झाड़ी है या आपका कोई एनुअल प्लांट है, तो उस कंडीशन में मेनली जो सॉइल है उसका टाइप डिपेंड करता है। थैंक यू।